दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैंने एक गैजेट मंगाया था gearbest.com से, जो आप अमेजोन से भी मंगा सकते हैं, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ ये रूरल विलेज है। मेरा घर का लोकेशन जहाँ पे है वहाँ सारे झाड़, और मेरे घर का जो लोकेशन है वो रूरल में है, तो रूरल में मोबाइल की रेंज ज़्यादा आती नहीं। तो आपको मैं बाहर का भी इलाका दिखाता हूँ, और यहाँ पे ऐसा क्लाइमेट है जैसे आप देख सकते हैं, इस साइड से पूरा ग्रीनरी एरिया है। तो ग्रीनरी एरिया से ये ग्रीनरी का होने के कारण यहाँ मोबाइल का रेंज ज़्यादा रहता नहीं, इसलिए मैंने एक गैजेट मंगाया था gearbest.com से, जो आप अमेजोन से भी मंगा सकते हैं। और यहाँ जो मोबाइल का रेंज रहता है मेरे यहाँ, आप मोबाइल का रेंज भी देख सकते हैं कि मेरा डेटा जो है एकदम स्लो चलता है। तो आप अगर आपका EMI का मोबाइल है मेरे केस में, तो आप *#*#4636# दबा के, जो आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे जो -111111 ऐसा DBM दिखा रहा है, जो सिग्नल स्ट्रेंथ है, तो मेरे को उसका जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो बढ़ाना है, यानी कि सिग्नल स्ट्रेंथ में गिरावट आनी चाहिए। जैसे -109 दिख रहा है अभी, अगर मेरा गैजेट सही से काम करेगा तो ये 65 से नीचे आना जाना चाहिए। और जो गैजेट मैंने मंगाया था, ये जो अपना मोबाइल का डेटा होता है ये खूब स्लो चलता है, और जो वॉइस कॉल होते हैं वॉइस कॉल भी डिसकनेक्ट होते हैं बहुत बार। तो ये जो गैजेट है ये मैंने 2200 रुपये का मंगाया था, और ये गैजेट का नाम है RXD RDX GSM 902A करके है। ये 2G 3G और 4G के लिए काम करेगा, यानी कि आपको सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। अब हम इसको इंस्टॉल करके, इसका एंटेना है ये 10 मीटर वायर है, और जो अडेप्टर है इसके लिए ये शायद 5 होल्ट का अडेप्टर है। तो 5 होल्ट का अडेप्टर मैंने मंगाया, एक्चुअल में बनाया है, ये इस गैजेट के साथ आया नहीं था। तो आपको इस गैजेट के साथ सिर्फ ये मिलेगा, यही मिलेगी, 3 3 1 2 3 यही मिलेगा। अडेप्टर आपको बाहर से कहीं तो खरीदना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा। ये मैंने मोबाइल चार्जर जो होता है ओल्ड वाला 1 एम्पियर का सैमसंग का मेरे पास था, तो मैंने सिर्फ वो पिन काट के ये मेरा होममेड किया है उसमें। तो आपको ये इंस्टॉल करने के बाद हम दिखाएंगे कि इससे मेरा काम बना या नहीं बना है, क्योंकि मैं यहाँ भी YouTube का थोड़ा सा अपलोडिंग करना या कुछ PC से करने के लिए मैं जो वाईफाई यूज़ करता हूँ, तो मैं इस सिग्नल स्ट्रेंथ से इसको भी जानूँगा कि मेरे जियो का रेंज बड़ा या नहीं बड़ा, ये अपलोडिंग के टाइम में ही आता पता चलेगा मेरे को। तो देखते हैं, पहले उसको इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद आपको जो भी आगे का रहेगा अपडेट वो मैं आपको, जो भी सिग्नल स्ट्रेंथ दिखाएगा या मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमें जो 10 मीटर वायर मिला था उसके साथ हमने होममेड जैसा उसको इरेक्ट किया है, कम से कम 15 या 25 फुट हमने उसका हाइट रखा है, और ये सारा वायर निकाल के इधर ला के आए हैं और मेरे खिड़की से अंदर किया है उसको। और अभी हम ला के ये कर सकते हैं उस गैजेट को, ये रहा उसका आउटडोर का इधर से आएगा, और ये इंडोर का ये डक्टेल एंटेना है, ये सिर्फ उसको लगाना।
आप देख सकते हैं उसका सिग्नल स्ट्रेंथ ग्रीन है और ये रेड रेड जैसे इसके लिए है कि उसको 5 वोल्ट सप्लाई दिया गया है कि नहीं और अपना एम्प्लीफिकेशन हो रहा है कि नहीं जो 2G 3G और 4G का निकाल के देखते हैं। देखिए ये हमने हटा दिया, हटा देने पर ये ग्रीन सिग्नल नहीं दिख रहा है और ये लगा देने पे यानी कि कुछ ना कुछ तो एम्प्लीफाई हो रहा है। तो मेरा ख्याल है उसमें सिग्नल स्ट्रेंथ आ चुका है। तो अब हम सिग्नल स्ट्रेंथ को नापेंगे जैसे मोबाइल पे आपने पहले देखा था, देख सकते हैं ग्रीन पूरा आ चुका है, उसमें डक्टेल एंटेना इसको थोड़ा सा इरेक्ट करेंगे बाद में और अब हम देखेंगे कि मेरा सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ा या नहीं बढ़ा। हमने सिग्नल स्ट्रेंथ नापने के लिए स्टार हैश 4636 हैश स्टार ये दबाना है। मेरा कार्ड अभी 107 dBm दिखा रहा है तो उसको ऑन करने पर जैसे सिग्नल स्ट्रेंथ ऑन हो गया तो अभी ये घटना चाहिए। मोबाइल में देखेंगे हम स्टार हैश 4636 हैश स्टार इसमें देख सकते हैं आप -104 है यानी कि ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है उसमें। ये बढ़ने के ऊपर जैसे अभी डिस्कनेक्ट नहीं होगा 102 dBm हुआ है, अभी आप देख सकते हैं -58 dBm पे जा रहा है जैसे वो उसका सिग्नल पकड़ेगा तो ये माइनस ज़्यादा होना चाहिए यानी कि ये जो लेवल है -65 से मिनिमम होना चाहिए जो भी लेवल है। अगर आपका रेंज बड़ा है तो